Assalamu alaikum, all of you. How are you all? All of you are here or someone left behind? Are you getting my voice clear? Okay, very good. So you remember, we have finished the topic yesterday. Well, हमने अपना एक टॉपिक फिनिश कर लिया था. This was about the railway carriage. वैसे ही है. So today we are going to start something else. Any idea about today's topic? आज के टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया है? What will we go? Will we try to learn? Any idea? What are we going to learn today? Yes. Can you share what are we going to learn? No idea about. We'll be reading a text. एक text पढ़ने जा रहे हैं. Yes, Fiza Ansari. Yes, definitely. Can you tell me if you want to go to abroad any other country? How can you go there? What will be the transportation? If you want to go abroad, कैसे जा सकते हैं? By plane, airplane, only airplane? सिर्फ एयरप्लेन के जरिए से, कार, मोटरसाइकिल? अच्छा, एब्रॉड की बात कर रहा हूं. एब्रॉड मींस एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री. ट्रेन के जरिए से जा सकते हैं, बोट्स के जरिए से जा सकते हैं, बस के जरिए से जा सकते हैं. ओके. अच्छा, डू यू नो हाउ मेनी बॉर्डर्स आर कनेक्टेड विद पाकिस्तान? डिफरेंट कंट्रीज बॉर्डर. कितने ऐसे ममालिक हैं जिनका बॉर्डर पाकिस्तान से टच होता है? व्हाट आर दीज? चाइना, इंडिया एंड ईरान, अफगानिस्तान. ओके. डू यू नो एनी ऑफ द वे पाकिस्तान से जो टेरिटरी रोड है, यानी जो जमीनी रास्ता है, जहां वो किस कंट्री से मिल रहा है और कहां जा सकते हैं हम जमीनी रास्ते के जरिए से? इंडिया, ट्रेन से जाना पड़ेगा, इंडिया गाड़ी तो नहीं जाती. अफगानिस्तान. यस फिजा अंसारी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट खैबर पास. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, विल बी रीडिंग अबाउट खैबर पास. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका, उस टॉपिक का नाम है द खैबर पास. ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर विद मी व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट खैबर पास. खैबर पास के बारे में पहले से आप क्या जानते हैं? टेल मी, व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट खैबर पास? पहले से आपको क्या पता है? व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट खैबर पास? यस, शेयर योर एक्सपीरियंसेस. ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो पता होगा. अच्छा, करेंसी, कौन सी करेंसी पे, पाकिस्तान की किस करेंसी पे खैबर पास बना हुआ है? व्हिच करेंसी इज दिस? जी, 50 के नोट पे बना हुआ है और
₹10 में भी बना हुआ है, देख लें भाई है किसी के पास, निकाल के चेक करें जल्दी से। पांच सारे नोट श्योर होकर बताएं, श्योर होकर किस किस पर खैबर पास बना हुआ। आई एम जस्ट शेयरिंग आर डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, खैबर पास के हवाले से जो है आई एम शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट्री। मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ द खैबर पास, वो कौन रहा है, आई एम गोइंग टू प्ले शॉर्ट वीडियो और दे विल टॉक अबाउट के रास्ता है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, लिसन टू दिस वीडियो। ये एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी किसके हवाले से, ये जो है वो यस इस्लामाबाद से आगे है, इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे पेशावर, पेशावर यू कैन कॉल इट पेशावर, तो उसके बाद फिर जो है वो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है तोरखम वगैरह वो आ जाता है। तो एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री में आपको वो व्यू उसमें भी दूंगा, किसमें आपके लिंक में, तो आप अगर टाइम मिले तो वो भी देख लीजिएगा। वो एक ट्रैवलिंग है, यानी जैसे व्लॉगर्स होते हैं वो, उन्होंने ट्रैवल किया तो जो उनके रास्ते में जो चीज़ें आई और जैसे आई वो तमाम चीज़ें उन्होंने जो है वो शेयर की। तो आई वुड लाइक यू टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री एज वेल, खैबर पास। ये तो थोड़ा हिस्ट्री हिस्टोरिकल सेंस भी था ना, बट रियल कि वहां से जब आप ट्रैवल करेंगे द खैबर पास तो वो कैसा होगा। मैं सिर्फ एक ग्लैंस शो कर देता हूँ उसका और उसकी लिंक आपको जो है वो भेज देता हूँ, तो आप लोग जरूर इसको जो है वो इसको जरूर देखिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें पूरा जो है वो पूरे जो है पूरी डॉक्यूमेंट्री है, थोड़ी लॉन्ग है और जो है इट टेक्स टाइम, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम जस्ट शेयरिंग अ लिंक विद यू, तो यू विल गेट के सफर कहाँ से शुरू हुआ और तमाम चीजें, और लेट्स सी आई एम शेयरिंग यू, ये देखिएगा दिस वन, इसकी लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वॉच दिस जरूर। दिस इज अ वीडियो, ये एक टैबल पास का पूरा ट्रिप है जिसमें ये जो है वो पूरे टैबल पास से ट्रैवल कर रहे हैं और नीचे रहते हैं तमाम तमाम, ठीक है। तो इसको ट्रिप टू खैबर पास, ठीक है, पूरे खैबर पास का इसका ट्रिप है और आई वुड लाइक यू टू वॉच दिस। मैं इसका आपसे लिंक शेयर कर रहा हूँ, इफ यू गेट टाइम और यू वॉन्ट टू सी अदर थिंग्स एज वेल तो वो भी आप सर्च करेंगे तो यू गेट खैबर पास का पूरा आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जरा देखिएगा, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने आपसे शेयर कर लिया ना, ठीक है। तो लुक एट दिस, इसको जरूर वॉच कीजिएगा, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल, ठीक है। खैबर पास क्या हिस्ट्री है इसकी, पूरी डॉक्यूमेंट्री है कि कहाँ कहाँ से ये ट्रैवलिंग की उन्होंने और कैसे कैसे ट्रैवलिंग की। मैंने लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिया, ग्रुप में देखिएगा। डिड यू गेट दिस, सबको मिल गया लिंक, मिल गया सबको, दिस इज द लिंक, यू कैन प्ले इट और यू कैन वॉच इट आफ्टर द क्लास और एज यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। इसको कहीं सेव भी कर लीजिएगा, तो आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस, तो आपको पूरी चीजें बहुत अच्छे से पता चल रही होंगी, ठीक है। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग लेसन, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ जा रहे हैं और लेट्स सी के क्या बताया गया इसमें, ठीक है। Who is going to read this for me? कौन पढ़ेगा मेरे लिए? चलें जनाब, लेट्स, हु विल रीड फॉर मी द खैबर पास? कैन एनीवन? You can unmute yourself.
Fiza Ansari, let's start. Fiza, read for me the first paragraph. Yes, sir. The Khyber Pass. Who has not heard of the famous Khyber Pass? There are many who have traveled through some part of it. It is a narrow mountain valley about 50 kilometers long. We have to travel through the Khyber Pass to go to Afghanistan. At the side of the Khyber is the famous city of Peshawar. And at the other end, the frontier post of Torkham. Very good. Thank you so much, Fiza. So let's see. Thank you. क्या बात की जा रही है कि कौन होगा जिसने खैबर पास का नाम नहीं सुना होगा? Who has not heard about the Khyber Pass? है ना? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने खैबर पास का नाम नहीं सुना होगा. Famous Khyber Pass, the famous Khyber Pass. There are many who have traveled through the some part of it. बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसका कुछ हिस्सा पार भी किया होगा, इससे travel भी किया होगा. ये है क्या? इट इज अ नैरो माउंटेन वैली. ये एक बड़ी पतली सी, मतलब इतनी पतली सी भी नहीं है, नैरो माउंटेन वैली है. ये वादी में एक पतला सा रास्ता है, जो है वो दोनों पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता है, नैरो माउंटेन वैली. अबाउट 50 किलोमीटर लॉन्ग. इसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है? 50 किलोमीटर इसकी लेंथ है. वी हैव टू ट्रेवल थ्रू द खैबर पास टू अफगानिस्तान. है ना? अगर हमें अफगानिस्तान जाना हो, पाकिस्तान से अगर आप अफगानिस्तान जाना चाहते हैं और उसके बाद चाइना वगैरह, तो द सेंस इज दैट कि खैबर पास जब आप क्रॉस करते हैं तो खैबर पास के जरिए से आप कहाँ चले जाते हैं? अफगानिस्तान. यानी खैबर पास से आप अफगानिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? खैबर पास का इस्तेमाल करते हैं. एट द साइड ऑफ द खैबर पास. अच्छा, खैबर पास के एक तरफ, खैबर पास के एक तरफ, एट द साइड ऑफ द खैबर इज द फेमस सिटी ऑफ पेशावर. अभी किसी ने पूछा था ना मुझसे कि इस्लामाबाद, यस, इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे, यानी पेशावर में, पेशावर आप मेन आपका पॉइंट होगा, वहां से आप खैबर पास के लिए ट्रैवलिंग शुरू करेंगे. और आप कहाँ जा सकते हैं? अफगानिस्तान जा सकते हैं. ये बाय रोड रास्ता है और रोड के जरिए से ये रास्ता है. एट द अदर एंड, अच्छा, एक तरफ फेमस सिटी ऑफ पेशावर, पाकिस्तान का फेमस सिटी पेशावर है, तो दूसरे एंड पर जो है वो बॉर्डर है जिसका नाम क्या है? तोरकम. ठीक है, अफगानिस्तान का बॉर्डर तोरकम. अब सुनिएगा, द खैबर पास हैज बीन फेमस इन हिस्ट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. हजारों साल से तारीख में खैबर पास बहुत शोहरत का हामिल रहा है. अभी जो मैंने आपको एक वीडियो, हिस्टोरिकल वीडियो शो की थी, उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें बताया जा रहा था अहमद शाह अब्दाली ने पास किया, उसको महमूद गजनवी ने क्रॉस किया, और बेशुमार लोगों ने उस खैबर पास को क्रॉस किया और अफगानिस्तान से सिंध की तरफ आए. और मोहम्मद बिन कासिम, जिसका आपने नाम सुना है, तो उसके बारे में भी बहुत से सेंस में ये आता है कि वो भी इसी रास्ते से सिंध की तरफ आया था. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स द आर्यंस. और अगर हजारों साल पहले की बात करें तो आर्यंस, यानी आर्याई कौम जो थी, आर्यंस जो थे, बहुत कदीम कौम जो थी, उसने भी ये पास क्रॉस किया था. और वो तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन 4,500 साल पहले वो ये क्रॉस करके आई थी. और जहां आज मौजूदा पाकिस्तान है, वहां ये कौम आर्यन आई थी, जिसके कुछ बाकियात, जिसकी कुछ जो है वो हमें तारीख जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडरात से पता चलती है. जो चीजें वहां से बरामद हुई हैं, उनसे हमें उनकी तारीख का पता चलता है. उनके बाद मंगोल्स और तातार्स, ये भी दो बड़ी जंगजू कौमें थी, वो भी इसी रास्ते से इधर आए थे, यानी पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों में आए थे. सुल्तान महमूद गजनवी, जिनका बहुत मशहूर नाम है तारीख में, सुल्तान महमूद गजनवी, उन्होंने भी खैबर पास को क्रॉस किया. और उन्होंने कितनी बार? 17 टाइम्स क्रॉस किया, 17 बार इसको क्रॉस किया टू अटैक साउथ एशिया के ऊपर अटैक करने के लिए, है ना. और इनके बारे में मैट्रिक क्लास में एक चैप्टर था जिसका नाम था सोमनाथ की फतह. शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो. महमूद गजनवी वो जो आए थे सिंध, जब आए थे तो वो इस सोमनाथ को फतह करने के लिए आए थे और 17 हमले किए थे उन्होंने.
17 हमले, तो वो जो है इस चैप्टर को अब बुक में से हटा दिया गया है, वरना पिछले सालों में 3-4 साल पहले ये चैप्टर होता था सोमनाथ की फतह, तो उसमें महमूद गजनवी के जो बहादुरी के कारनामे हैं, और महमूद गजनवी ने कहा था कि मुझे बुध परवोश होने से ज्यादा पसंद है कि मैं बुध शिकन हूँ। बुध शिकन मतलब बुध तोड़ने वाला, और बुध परवोश मतलब बुध बेचने वाला। तो ये महमूद गजनवी के बड़े मशहूर अल्फाज हैं, और उसके बाद उन्होंने सोमनाथ का जो बहुत बड़ा बुध था उसको तोड़ दिया था। तो ये वो महमूद गजनवी है जिन सुबुक्तगीन के बेटे। Then came other Muslims conquer. उसके बाद मुख्तलिफ मुसलमान जो फातेह थे, conquerors, फातेह फतह करने वाले, इलाकों को फतह करने वाले conquerors, उनमें शहाबुद्दीन गौरी का नाम है, बाबर एंड अहमद शाह अब्दाली। यानी अगर हम देखें तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, ये जो पैराग्राफ्स हैं 2 पैराग्राफ, दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। ये कैबर पास की तारीख कोई आज की नहीं है, कल की नहीं है, बल्कि कई हजार साल पुरानी तारीख है, और मुख्तलिफ कौमों ने, मुख्तलिफ लोगों ने इसे मुख्तलिफ टाइम में क्रॉस किया। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्ट वर्ड, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? यू वॉन्ट मी टू रिपीट समथिंग? यहां तक क्लियर है सब? यस, वेरी गुड। हाँ, सबके रिप्लाई आने चाहिए, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब यस सादिया वसीम, यू वांट टू रीड? जी सादिया बोलें। यस यस प्लीज गो ऑन, अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने तुम्हें म्यूट नहीं किया हुआ, अनम्यूट करके लेट्स स्टार्ट। द कैबर पास हैड बीन, यहां से The Khyber Pass has been famous in history for thousands of years. The Aryans called next isse na yahan se the Khyber Pass had been a famous trade route. Yahan se start kare, wo to humne pad liya hai, acha bata liya. The Khyber Pass had been a famous trade road. Formerly camel caravans passed through it. They carried bales of cotton, silks and spice for India and China to Afghanistan and beyond. They brought mirrors, fur skins and fruits from there for India and the countries to the east. Traders still use this route. The trade is now carried. Hello. Hello. हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके ओके ओके, बीच में मुझे ऐसा लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है। आई थॉट
Hello, everyone. Can you hear me right now? Please comment. Okay. ठीक है. I've got some problem in sharing my screen. Now, did you get my screen? सबके पास स्क्रीन आ रही है? ठीक है. Okay, 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 okay. The Khyber Pass had been a famous trade route formerly, पहले ये तारीख में Khyber Pass जो है वो बड़ा ही famous क्या रहा है, famous trade route रहा है, ठीक है, famous trade route यानी तिजारती गुजरगाह रहा है, तिजारती गुजरगाह रहा है, famous trade route कहते हैं तिजारती रास्ते को. तो क्या बात की जा रही है, had been a famous trade route, बहुत ही मशहूर तिजारती रास्ता रहा. सबसे पहले फॉर्मली पहले कैमल कारवांस ऊंटों के काफले पास्ड थ्रू इट, इधर से गुजरा करते थे. ये क्या ले जाया करते थे, ये जो कपास होती है उसके बेल्स यानी कपास के बोरे ले जाया करते थे, रेशम ले जाया करते थे और स्पाइसेस यानी मसाले. समझ आ रही है, कपास जिससे कपड़ा बनता है, बेल्स ऑफ कॉटन यानी कपास के जो खाए होते हैं वो, सिल्क रेशम और स्पाइसेस मसाले लेकर जाया करते थे. कहां, फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू अफगानिस्तान, इंडिया से चाइना और अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड और उसके बाद. और वहां से क्या लेकर आते थे, दे ब्रॉट, वहां से वो शीशा लेकर आते थे, फर्स लेकर आते थे, मुख्तलिफ जानवरों की खाले लेकर आते थे और फ्रूट्स मुख्तलिफ किस्म के फल वो लेकर आते थे. कहां, फ्रॉम देयर फॉर इंडिया, इंडिया लेकर आते थे एंड द कंट्रीज टू द ईस्ट, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक लेकर आया करते थे. ट्रेडर्स स्टिल यूज दिस रूट, आज भी ताजिर, ट्रेडर्स ताजिर आज भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. अब जो तिजारत होती है, द ट्रेड इज नाउ कैरिड ऑन मोस्टली बाय ट्रेन, आजकल जो तिजारत होती है वो किसके जरिए से होती है, ट्रेन्स के जरिए से जो है वो माल एक जगह से दूसरे कंट्रीज जाता है. लॉरीज जैसे आपके पास सुजुकी वगैरह होती हैं, इस तरह की गाड़ी को लॉरी कहते हैं, उसके जरिए से और ट्रक्स के जरिए से एक कंट्री से दूसरी जगह ये चीजें पहुंचाई जाती है. आज भी द Khyber Pass इज एज बिजी our trade route today as it was ever before. Jitna purane daur mein ye mashhoor aur masroof tareen tijarati rasta tha, aaj bhi waisa hi masroof aur jo hai wo isi tarah ka ye tijarati rasta hai, aaj bhi iska yahi haal hai. Yani bahut busy trade route hai, yahan log tijarat ke liye ek mulk se dusre mulk jaate hain. यहां तक की बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, इजी टू अंडरस्टैंड, यहां तक क्लियर है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन, ओके ओके, चलें नेक्स्ट पैराग्राफ. आप देखें बेसिकली इट्स, आप में से कभी स्कूल कोई जो है वो ट्रिप पर गया, किसी विजिट पर गया, एजुकेशनल विजिट, एजुकेशनल ट्रिप. लॉरीज गाड़ी, गाड़ी जैसे आपके पास सुजुकी वगैरह होती है ना, लॉरी, लॉरी कहते हैं उसको रिदा, तो सुजुकी वगैरह होती है ना जिसमें सामान लोड करते हैं, इसी तरह की गाड़ियों को लॉरी कहते हैं, लॉरीज, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी होती है जैसे शहजोर ट्रक वगैरह, तो इस तरह की गाड़ी को लॉरी कहते हैं, ठीक है, लॉरीज उसकी जमा है यानी बहुत सारी गाड़ियां. ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था, हो सकता है आप अपने स्कूल लाइफ में कभी किसी एजुकेशनल ट्रिप पर गए हो. तो लेट्स सी, बिलाल एंड हिज फ्रेंड, बिलाल एंड हिज फ्रेंड सॉ सम हाउसेस हियर एंड देयर. बिलाल और बिलाल जो है, बिलाल्स क्लास फेलो, क्लास फेलोज मेड अ ट्रिप टू द Khyber Pass लास्ट समर. बिलाल के जो क्लास फेलोज थे उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, कहाँ विजिट करने का प्रोग्राम बनाया, उन्होंने Khyber Pass विजिट करने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, Khyber Pass विजिट करने का प्रोग्राम बनाया. किसने, बिलाल ने और बिलाल के दोस्तों ने, बिलाल के क्लास फेलोज ने प्रोग्राम बनाया, ठीक है.
made a trip to the Khyber Pass last summer. पिछले साल गर्मियों में उन्होंने ये प्लान बनाया. They hired a bus. उन्होंने एक बस हायर की. कहाँ से? पिशावर से. कहाँ से? पिशावर से. यानी अगर आपको खैबर पास जाना हो तो आपका मेन पॉइंट कहाँ होगा पाकिस्तान में? पिशावर. और पिशावर से फिर आप कहाँ जा सकते हो? खैबर पास जा सकते हो. एंड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह उन्होंने अपने सफर का आगाज किया. और अबाउट 50 माइल्स अबाउट 14 किलोमीटर तकरीबन 14 किलोमीटर फ्रॉम पिशावर. पिशावर से 14 किलोमीटर के फासले पर एक चेक पोस्ट है जिसका नाम है जमरूद चेक पोस्ट. क्या नाम है? जमरूद चेक पोस्ट. ठीक है. दे हैड टू स्टॉप. अच्छा, जमरूद चेक पोस्ट का व्यू दिखा देता हूं मैं आपको. गिव मी अ सेकंड. जमरूद चेक पोस्ट. ठीक है, ताकि आपको एक पिक्चर भी नजर आ जाए जमरूद चेक पोस्ट की. जमरूद चेक पोस्ट. ये मैं एक पिक्चर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ इसकी, जमरूद चेक पोस्ट की. ठीक है, तो ये वो चेक पोस्ट है. ये देखिएगा, दिस इज जमरूद चेक पोस्ट, जहां वो आपने देखा होगा जो मेन, जो आप 10 के नोट पर जो मुझे पिक्चर बता रहे हैं वो. ठीक है, तो ये जो है वो जमरूद चेक पोस्ट है और वहां एक जमरूद फोर्ट भी है. ठीक है, लेट मी सी. एक पुलिस वाले, आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? नजर आ रही है? आर यू गेटिंग माय स्क्रीन? अच्छा, ओके, चलें, लेट्स सी हियर. दिस इज जमरूद चेक पोस्ट. ये कुछ पिक्चर्स मैं दिखा रहा हूँ आपको. ये जमरूद चेक पोस्ट की पिक्चर्स हैं. ठीक है, ये देख रहे हैं, ये जमरूद चेक पोस्ट बनी हुई है. यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं? आप खैबर पास तक का सफर शुरू कर सकते हैं. ये कुछ जमरूद चेक पोस्ट हैं जहाँ पुलिस वाले होते हैं और आर्मी वाले होते हैं जो आपको चेक करते हैं, और उसके बाद फिर आपको परमिट देकर वो आप जो है वो किसी भी इलाके फिर आगे आप ट्रैवल कर सकते हैं. तो ये वहाँ स्टॉप हुए, कहाँ? जमरूद चेक पोस्ट, जो कितने फासले पर है? 14 किलोमीटर के फासले पर है पिशावर से. दे हैड टू स्टॉप देयर. उन्हें वहां रुकना पड़ा एंड ऑब्टेन अ परमिट. अब देखिए ये परमिट क्या होता है. परमिट कहते हैं इजाजतनामे को. परमिट, जब कभी भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो तो आप वीजा लेते हो, वीजा लेते हो, है ना? जैसे आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो या यमन जा रहे हो या जो है वो आप टर्की जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो आप, तो आपको वहां का वीजा लेना पड़ेगा. इन द सेम सेंस, क्योंकि ये हमारे मुल्क का टेरिटरी रास्ता है, जमीनी रास्ता है, तो यहाँ परमिट लेना पड़ता है. तो दे हैड टू स्टॉप देयर एंड ऑब्टेन अ परमिट. उन्हें वहां रुकना पड़ा और उन्हें इजाजत लेनी पड़ी कि हम जहां जा रहे हैं. उसके बाद द रोड थ्रू द पास इज एक्सलेंट. ये जो रोड वहां बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत रोड बना हुआ है. और मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्री शेयर की है ना अभी, जो ग्रुप में शेयर की है, उसको जरूर देखिएगा. वो आपको पता लगेगा कि कितना खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, कि दोनों तरफ पहाड़ हैं और दरमियान से रोड जो है वो कुछ zigzag जा रहा है. जैसे ये zigzag जा रहा है, इस तरह जा रहा है zigzag. ये zigzag इस तरह रोड जो है वो मूव कर रहा है पहाड़ों के दरमियान. ये zigzag कहलाता है. ठीक है, तो इस तरह रोड मूव कर रहा है. इट रन zigzag थ्रू द माउंटेन. इन दीज माउंटेन्स लिव द ब्रेव ट्राइब्समैन. और इन पहाड़ों में जो है बड़े बहादुर कबाइली रहते हैं. ब्रेव ट्राइब्समैन, ट्राइब्समैन कहते हैं कबाइली लोगों को. ब्रेव बहादुर, इन पहाड़ों के दरमियान, दीज माउंटेन्स ऑफ द फ्रंटियर, जो बॉर्डर है उसके आसपास ये बहादुर कबाइली पठान रहते हैं. और वो क्या करते हैं, जब ब्रिटिश रूल करता था हमारे कंट्री पर, यानी आज से कोई 100 साल पहले, 100 years ago, जब ब्रिटेन यहाँ आकर हुकूमत करने लगे थे, दीज ब्रेव ट्राइब्समैन, ये जो बहादुर कबाइली लोग थे, उन्होंने बहादुरी के साथ ब्रिटिश एम्पायर से लड़ाई की और फॉर 100 years, और तकरीबन 100 साल तक अपनी आजादी को बरकरार रखा, आजादी का दिफा किया. डिपेंडेड मतलब दिफा करते रहे. कितने साल तक? 100 साल तक. यानी 1920 में वो आए थे और 1900 कोई कह
कहते हैं कि टोटल जो उनका ड्यूरेशन रहा है वो तकरीबन जो है वो आपका 100 साल उन्होंने हुकूमत की ब्रिटेन में, इंडो पाक पर हुकूमत की। तो उस दौरान ये बहादुर कबाइली जो हैं वो अपनी आजादी का दिफा करते रहे थे और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी। नाउ दे आर द डिफेंडर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान। इसी वजह से उस सूबे का जो नाम था वो था NWFP, जिसको अब चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान। यहां से निकला था, क्या निकला था? NWFP, यानी वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, शुमाल मगरबी इलाका है पाकिस्तान का। तो उस सूबे का नाम पहले क्या था? NWFP, ये नाम था हमारे सूबे का, जिसको चेंज करके क्या कर दिया गया? खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा। तो दिस इज व्हाट, कि ये जो है वो पहले इसका नाम क्या था? NWFP का, खैबर पख्तूनख्वा। क्लियर हो गया अभी? Bilal and his friend saw some houses here and there. Bilal और उसके दोस्तों ने वहां कुछ घर देखे। On the top of nearly every house was a tower with a long narrow opening in its wall. आपकी बुक में भी एक पिक्चर की दी गई है इस टॉवर की, कि वहां हर घर के अंदर जो पहाड़ों पर घर बने हुए थे उनमें हर एक घर के साथ एक बहुत लंबा सा टावर बना हुआ था, लॉन्ग नैरो ओपनिंग इन इट्स वॉल। और उसकी दीवारों में जो है वो क्या थे? सुराख थे, लॉन्ग लंबे और ओपनिंग थी, सुराख थे। वो क्यों? वो इसलिए थे कि वो फायरिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, और जब भी कभी दुश्मन उन कबाइली बहादुरों पर हमला करता था तो वो उस टावर के अंदर से फायरिंग करके अपने जो दुश्मन थे उनको तहस नहस कर दिया करते थे, और किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये फायर कहां से हुआ है। A shot is hardly ever fired from them now. लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, कि अब ये पाकिस्तान की टेरिटरी है, पाकिस्तानी इलाका है, तो अब ऐसा नहीं होता। और ये कबायली पठान बहुत महजब होते हैं, अब ऐसा नहीं होता। अभी क्लियर हो गई मेरी आवाज? अब सही है मेरी आवाज? अब सही आ रही है? फिजा अंसारी अपना नेट चेक करो, या सबको ही मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ओके, ठीक है, ओके। तो आफ्टर कवरिंग अबाउट, अब क्या हुआ? तकरीबन उन्होंने कितना फासला तय किया? 30 किलोमीटर का फासला तय किया। They reached लंदी कोतल। कहाँ पहुंच गए वो? लंदी कोतल एक जगह है जो इस खैबर पास में सबसे बुलंदोबाला जगह है, द हाइएस्ट प्लेस अलोंग द पास। मैंने जो आपसे वीडियो शेयर की है ना अभी, उसमें जमरूद चेक पोस्ट भी है, उसमें लंदी कोतल भी है, उसमें तोरखम बॉर्डर भी है, जरूर देखिएगा। और वहां जाकर देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ कराची से बहुत मुश्किल होता है निकलना किसी का, तो जब तक नहीं जा सकते तो जब तक YouTube पर तो कम से कम देख ही सकते हैं। तो जरूर एक बार देखेंगे हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और ये जो खैबर पास है, इसकी एक तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, दूसरा इसकी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है, तो जरूर देखिएगा इसको। यहाँ इन्होंने क्या किया? हियर द स्टूडेंट्स मेड अ शॉर्ट स्टॉप, यहाँ वो थोड़ी देर के लिए रुके, एंड एट सम, और उन्होंने क्या किया? यहाँ कुछ खाना पीना किया। क्या खाया उन्होंने? टिक्कास खाए, माँ की फेवरेट डिश टिक्का एंड चपली कबाब्स। पेशावर की सबसे जो फेमस डिश है वो चपली कबाब्स हैं, और जो है वो आजकल तो कराची में भी मिलते हैं, लेकिन पेशावर की बात ही कुछ अलग है, वहाँ की ये ट्रेडिशनल डिश है। तो ये उन्होंने वहाँ एंजॉय किया। दे फाउंड देम क्वाइट डिलीशियस, उन्हें उसका जायका बहुत ही पसंद आया। उसके बाद लंदी कोतल से जो रोड जाता है वो डाउन वेंडिंग थ्रू ब्यूटिफुल सीनरीज। अब लंदी कोतल से जो आगे का रोड है वो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर रखता है अपने अंदर, पैरेलल टू द रोड, और रोड के साथ साथ पैरेलल मतलब जैसे मिसाल के तौर पर ये रोड चल रहा है, अब इस रोड के साथ साथ क्या हो रहा है? पैरेलल टू द रोड गोज रेलवे लाइन।
अब इस रोड के साथ साथ क्या जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है, देख रहे हैं ये रेलवे लाइन जा रही है इस तरह, ये रेलवे लाइन पैरेलल टू द रोड, रोड के साथ साथ रेलवे लाइन चल रही है, पैरेलल टू द रोड द रेलवे रन्स द रेलवे लाइन और इट हैज टू रन थ्रू मेनी टर्नल्स इन द माउंटेन, और ये जो रेलवे लाइन है वो बहुत सारी टनल्स, बहुत सारी सुरंगों से गुजरती है और बहुत सारे पहाड़ों के अंदर से गुजरती है। दिस रेलवे लाइन वॉज लेड इन 1925, ये जो रेलवे लाइन बनाई गई थी वो 1925 में बनाई गई थी ताकि ब्रिटिश आर्मी को क्या पहुंचाया जा सके, असलहा और खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा सके, तो वही रेलवे लाइन अभी तक चल रही है। द ब्रेव ट्राइब्समैन ब्रोक अप पार्ट्स ऑफ द लाइन अगेन एंड अगेन, जब अंग्रेज हुकूमत किया करते थे तो जो कबाइली बहादुर थे वो क्या करते थे, इस रेलवे लाइन को तोड़ दिया करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते, दे डू नॉट डू सो एनी नाउ, अब वो ऐसा नहीं करते बिकॉज इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, क्योंकि अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है इसलिए अब वो ऐसा नहीं करते। Just below the road, the students saw a track along which once traveled camel caravans and mule trains. बिल्कुल रोड के नीचे जहां वो ट्रेवल कर रहे थे वहीं उन्होंने देखा कि रोड के साथ साथ एक कच्चा रास्ता भी था जिससे ऊंटों के काफले सफर किया करते थे और खच्चर वगैरह सफर किया करते थे। After a journey of 10 kilometer, तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर करने के बाद They reached Torkham, the border between Pakistan and Afghanistan. आखिरकार 10 किलोमीटर का सफर, कहां से 10 किलोमीटर का सफर करके, लंदी कोतल से 10 किलोमीटर का सफर करके आखिरकार वो Torkham बॉर्डर पर पहुंच गए, जो बॉर्डर है किसके दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है Torkham, वहां पहुंच गए। They saw a chain stretched across the road. जैसे आपने देखा होगा लाहौर में वाघा बॉर्डर पर भी एक चेन लटक रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, बिल्कुल ऐसे ही उधर भी एक चेन लटक रही है दरमियान में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का परचम लहरा रहा है और खास तौर पर एक पहाड़ पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। दे वर वेलकम बाय द सोल्जर्स गार्डिंग द फ्रंट लाइन, वहां मौजूद सोल्जर्स ने उन्हें खुशामदीद कहा। हमने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, हम इसको यहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा सेंटर गए थे तो ईद के बाद नोट्स मिलेंगे कहा था, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ना जब भी कोई चीज शेयर करूंगा ना तो आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिएगा, कल की क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, लैपटॉप से आप कैसे स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स शेयर करूंगा ना, जो जो चीजें शेयर कर रहा हूं तो वो फिर आप मंडे की क्लास, सर ओ ओ ओ अच्छा हाँ नहीं, मंडे की क्लास तो मैंने शेयर कर दी है आप लोगों से, ग्रुप में शेयर कर दी है ना, आप लोगों को लेक्चर नहीं मिला मेरा मंडे का, वो तो मैंने, चलो मैं अपने पास चेक कर लूंगा। म्यूल ट्रेन का मतलब होता है बेटा खच्चर, खच्चर जो है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आस एंड हॉर्स, क्रॉस मेटिंग के जरिए से एक नस्ल पैदा की जाती है, आई मीन टू से कि घोड़ा और गधा, ठीक है, मेल हॉर्स और फीमेल एस ना, उनसे एक कंबाइन जो है वो एक नस्ल क्रिएट की जाती है, वो गधे से भी मिलती है और घोड़े से भी मिलती है, उसे खच्चर कहा जाता है, म्यूल कहा जाता है, तो म्यूल ट्रेन, और कच्चर पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छा वो करते हैं, बहुत अच्छी ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसे म्यूल कहा जाता है, ठीक है। विशु अच्छा मिल गया है, ओके 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 ठीक है, जिनको नहीं मिला वो रिफ्रेश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पास भी आ जाएगा, मैंने सबसे शेयर किया कल रात में। विशु ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ट्यूजडे को मिलते हैं, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज, विशु ऑल द बेस्ट।